देश की लगभग 135 करोड़ की आबादी इस वक्त 18 सितंबर का इंतजार कर रही है। 18 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। क्या होगा 18 सितंबर को और मोदी कौन सा इतिहास रचेंगे, इस पर बात करेंगे नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं भारत हूँ। आपको बता दें कि संविधान में एक शब्द जोड़ा गया, वो शब्द है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 18 सितंबर के बाद ये शब्द अपने बदले हुए शब्द गवर्नमेंट ऑफ भारत के नाम से नजर आएगा। दरअसल G20 की 18वीं समिट इस साल 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है और इस साल भारत पहली बार G20 की मेजबानी करने जा रहा है। इस बैठक के लिए डिनर में शामिल होने वाले लोगों को राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया और उस पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और जब से निमंत्रण पत्र जारी हुआ है तब से इतिहासकार और विशेषज्ञ हजारों सालों के हिंदुस्तान के इतिहास के पन्ने पलटने लगे। तभी से देश के नाम से इंडिया हटाने का सवाल सबके मन में आने लगा। हमारे हिंदुस्तान का नाम भारत कैसे हो, इस देश को सबसे पहले किसने इंडिया कहा, क्या प्रचलित धारणा के मुताबिक हमें अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया नाम दिया, ऐसे कई सवाल हैं। समय समय से मांगे उठती आई हैं कि अंग्रेजों ने ये नाम इंडिया हम पर थोपा है, उससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। हालांकि संविधान में हमारे देश को इंडिया और भारत दोनों ही नाम दिए गए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए इस नाम से पूरी तरह छुटकारा पाया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारे देश को इंडिया नाम किसने दिया और ये नाम कैसे प्रचलन में आया। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव रहे और उनके बेटे रहे भरत। वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चहु दिशाओं में फैला था और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह वह कालकांड था जब भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद जैसे कई दूसरे नामों से भी पुकारा जाता। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया और वे से का उच्चारण है से किया करते थे और इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो। यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। बहरहाल उस कालखंड में स के है उच्चारित किए जाने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ जाने की यह धारणा जहां एक और काम कर रही थी, वहीं भारत के दूसरे नामकरण की प्रक्रिया में इस राष्ट्र का सिंधु घाटी की सभ्यता का होना भी काम कर रहा था। दरअसल भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहाँ तक आती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंस भी था। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीकों ने किया। दरअसल ग्रीक के लोग इसको इंडो या इंस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता रहा। ऐसे में अंग्रेजों ने इसे इंस वैली के नाम के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाले इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया और ऐसे ही हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। अब इंडिया या भारत पूरे देश में देश के नाम पर सियासी बवाल मचा हुआ है। क्या मोदी सरकार देश के नाम से इंडिया हटा देगी, सबके मन में अभी बस यही सवाल है। अब देखना यह होगा कि देश का नाम इंडिया से हटकर सिर्फ भारत कब तक होगा या फिर होगा भी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।